हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो हम लोग मतलब बोल सकते हैं ड्रीम राइड की प्रिपरेशन करने वाले हैं इस वीडियो में, और बाइक की सर्विस वगैरह बताएंगे, क्या क्या चेंज हुआ, कितना खर्चा आया, और ये सब चीज़ें आज की वीडियो में रहेगी। पैकिंग वैकिंग सारी चीज़ें, तो इस ड्रीम राइड के बारे में तो लास्ट में बताएंगे कि क्या हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। वैसे जो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और अभी तो बेसिकली करना ये कि अभी हम लोग जाएंगे श्याम ऑटो, कुछ सामान वामान लेना है गाड़ी की सर्विस वगैरह के लिए। मोटर का मोबिल यूज़ करते हैं एंड अपना वो क्या कूलेंट वगैरह जो सारा कुछ फ्लश वगैरह करा कर, तो लगभग चीज़ चेंज करवा ही देनी है, एक्सेलेरेटर वायर वगैरह, तो वो सब चीज़ तो है। बट जो बेसिकली थोड़ा बहुत कूलेंट हो गया, मोबिल हो गया, ये सब चीज़ श्याम ऑटो से उठाएंगे एंड और भी एसेसरीज जो ज़रूरी है। तो अभी श्याम ऑटो चलते हैं एंड एसेसरीज उठाते हैं और मतलब श्याम ऑटो में ही मिलते हैं। तो बाइक अपनी यहाँ पार्क हो चुकी है एंड हम लोग जो है पहुँच चुके हैं श्याम ऑटो, और अभी जो है तो अभी अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हैं एंड यहाँ रहे अपने भैया। तो अभी जो है सामान निकलवाते हैं, जो जो चीज़ ज़रूरत की सामान है, अपने को मोबाइल चाहिए, थोड़ा ग्लव्स चाहिए, जो चीज़ भी है कुछ कुछ चीज़ें तो निकलवाते हैं एंड उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। सो सारा सामान निकल चुका है एंड बाइक भी जो है थोड़ा रेडी हो चुकी है। बेसिकली ये कि सारा कुछ स्टॉक ही में जाएगा। ये सारी चीज़ जो है भैया की तरफ से गिफ्ट है मेरे भैया, और दूसरे आरएस के लिए अपना ये सारा कुछ हो गया है। तो लगभग अपना जो काम है स्टॉक ही में चलेगा, और ये रेनकोट हो गया, आरएस का नया नंबर प्लेट, आरएस का वो नया नंबर प्लेट नहीं चलाना, इसी पे कटवाना, ये उज्ज्वल भाई का तो उज्ज्वल भाई से किस बात की मतलब परेशानी हो रखी है स्मिथ को कि परेशानी नहीं है बेचारे का नंबर पाल जाना, तो मुझे ये नंबर मेरे रेड 900 पे ये नंबर लगने वाला, मतलब पूरा चालान कटने वाला है, चालान इतना ओवर स्पीडिंग का सेंस ही। तो उज्ज्वल भाई को चालान भरने के लिए रेडी रहना चाहिए तो अभी जो है यहाँ से हम लोग जाएंगे सर्विस के लिए, सर्विस के लिए जाएंगे बिहार शरीफ, ठीक है, पटना में नहीं होगा क्योंकि वहाँ भी फ्री में सर्विस कराया, स्पॉन्सर लेने नहीं 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 क्योंकि इसकी बाइक बेसिकली रखी हुई है गाँव में जो कि हम पहुँचा के आए थे, तो अभी बाइक लेना है तो वहीं पे सर्विस करवा लेंगे। तो अभी हम लोग श्याम ऑटो से निकलते हैं, फिर गांव जाके पैसा और... लेना घर से, हाँ ट्रांसफर भी करना है थोड़ा सा थोड़ा घर से, तो फिर वहां से अब मिलते हैं डायरेक्ट सर्विस सेंटर में और दिखाते हैं कि क्या क्या वहां चेंज हम लोग करवा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अब सर्विस सेंटर में। तो शोरूम आ चुके हैं, मतलब श्याम ऑटो से डायरेक्ट, और शोरूम आने में 2 दिन लग गया, तो ये व्लॉग हो सके तो आपको मतलब जिस दिन निकल रहे होंगे, तो बेसिकली हम लोग 12 को निकलने वाले हैं एंड इसी ब्लॉग के आखिरी में आपको पता चलेगा कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए स्टे ट्यून रखिए। तो अभी गाड़ी अंदर हम लोगों ने दे दिया है और अरवास की भी आरएस जो है लग चुकी है, और दो जितना काम मेरे में हो रहा है सेम वो सब कुछ करवा लेना है, ब्रेक शू हो गया या जो भी है, केबल वेबल सब बदलवा लेना है जितना हो सकता है, मोबिल ऑयल कूल सारा कुछ फ्लश कर लेना है क्योंकि नया सब डल जाएगा तो बेहतर है, क्योंकि लंबी राइड है तो कोई रिस्क लेना नहीं, होप्सो कि सब अच्छा ही जाए, जैसे सारी राइड मैंने की वैसे ही ये राइड भी अच्छे से निकल जाए। बाकी अभी बाइक धुलाने गई है, वाश होती है, चढ़ोती है, तो आपको दिखाते हैं, मिलते हैं वहाँ पे। तो बाइक पैडॉक पे लग चुकी है और सर्विस स्टार्ट हो चुका है, और अपने जो फेवरेट वन रिजवान सर्विस कर रहे हैं, तो पूरा प्रॉपर रिजवान जो सर्विस करता है, मतलब सेटिस्फैक्शन जो बोलते हैं रिजवान से करवाने के बाद मिलती है। तो पहले मेरी बाइक होगी, फिर अरबाज़ की बाइक होगी। तो अभी जो है मेन वायर के लिए और एयर फिल्टर के लिए पूरा खोलना पड़ता है इसका, ये चीज़ है कि एयर फिल्टर इसके नीचे होता है तो पूरा बॉडी खोलने के बाद ही एयर फिल्टर चेंज हो पाता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि टाइम तो कुछ ज़्यादा लगेगा नहीं, मोबिल फिल्टर बाकी बाहर की चीज़ें हैं, जो टाइम लगेगा एयर फिल्टर में लगेगा। तो अभी बाइक को पहले पूरी रेडी करवाते हैं एंड बीच बीच में मिलते हैं। तो बाइक जो अपनी पूरी रेडी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉइज से लोग बात कर रहे हैं, और अब जो आएगी ये अपनी ये दूसरी वाले आरएस जो कि ये भी लद्दाख जा रही है, ये BS4 है, अपनी BS6 है, मिरर विरर लगवा लिया मैंने क्योंकि ज़रूरी है करने को, तो मैं बिना मिरर के आराम से कर लेता हूँ इतना आइडिया है, बट फिर भी अगर लगवा ले तो ज़्यादा बेहतर है। और मतलब बाइक पूरी वाश हुई दोनों, और मौसम ऐसा बदल गया कि अभी पूरी बाइक फिर से गंदी हो जाएगी, तो कल वाश करवा करके ही निकलूँगा। तो अभी जो है बाइक बाहर निकलेगी, थोड़ा सा चला करके देखेंगे एंड यहाँ से पटना जाने के दरमियान ये पता चल जाएगा कि कुछ कमी है तो वो भी पता चल जाएगा, तो ठीक करवा लेंगे। अब जो है मिलते हैं पटना में डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसा बचा नहीं, आपको तो सारा कुछ बता दिया था कि कितना बिल दिखा देंगे आपको कि कितना का बिल बना है, वो चीज़ दिखाने के बाद ही पटना मिलते हैं, तो बिल दिखाते हैं कितना आया है।
सो बाइक पूरी सर्विस हो गई है एंड जो बिल आया है 2300 का, मतलब 2300 कुछ का बिल है, और ये मतलब पूरा आपका ब्रेक शू हो गया, केबल हो गया, एयर फिल्टर हो गया, मोबिल फिल्टर हो गया, जो चीज़ भी है, ये सब जो बेसिक चीज़ थी उन सब का है, ब्रेक पैड वगैरह का, मोबिल वगैरह हम लोग अलग से खरीद के लाए थे, मोबिल और कूलेंट, तो उसका 1500 रुपया, तो देखा जाए तो अप्रोक्स हमारा 3800 रुपये के आसपास गया है बिल में। तो बिल का स्क्रीनशॉट डाल देंगे, आप समझ जाएंगे कितना लेबर चार्ज 450 रुपये के आसपास गया है। तो देखा जाए तो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ नहीं। तो अब जो आगे मिलते हैं, आप जब तक बिल का स्क्रीनशॉट देख लें, उससे आइडिया लगा लें कौन से पार्ट्स कितने का है। तो चलिए मिलते हैं आगे पैकिंग वैकिंग करके, एंड अगर कुछ आगे का प्लान रहा तो बताते हैं। सो फाइनली पैकिंग हो चुकी है, एंड अपनी पैकिंग जो है सारे पीछे है, वो अरबाज का हेलमेट और ये मेरा एग्जॉन वाला, और एक बैग हो गया जिसमें एसेंशियल सामान मतलब कैमरा वैमरा रहेगा, वो अपना राइडिंग जैकेट, और ये रहा अरबाज। काफ़ी ज़्यादा मतलब पंखा वंखा चल रहा था, अभी तो वीडियोज़ के लिए बंद करना पड़ा क्योंकि आवाज़ में उसकी आवाज़ आती है, और ये बैग एक जो पीछे RS के जाएगा, तो अभी इसको सेटअप वगैरह करके देखेंगे। एंड बेसिकली हम लोग जा रहे हैं लद्दाख, बता दें ऐसे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो करेंगे तो पता ही होगा। तो कल हम लोग जो निकलेंगे, मतलब आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो हम लोग रास्ते ही में होंगे कहीं ना कहीं, तो कोशिश रहेगा कि हम लोग दिल्ली कर लें, अगर नहीं हो पाया मतलब टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा तो लखनऊ में हम लोग का स्टॉपेज रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी पसंद पसंद पे पंखा ऑन कर रहा है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको ये राइड पूरी देखनी है तो फिर आगे की वीडियो देखें और इन्जॉय करें।